हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि गोठाने, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे शाही पनीर। शाही पनीर बनाना बहुत ही आसान है। इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। पनीर लिया है 150 ग्राम, दो कटे टमाटर लिए हैं, दो बड़े बड़े टमाटर, और एक प्याज लिया है, बटर लिया है, अदरक लहसुन की पेस्ट ली है, 8-10 काजू और 5-6 हमने बादाम लिए हैं, पानी में भिगो के रखे हैं, और नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और किचन किंग मसाला लिया है, और लगेगा तो थोड़ा हम पानी पानी डालेंगे। गैस शुरू कर देते हैं। सबसे पहले थोड़ा हम बटर डाल देंगे। अभी इसमें थोड़ा कांदा डाल देते हैं। थोड़ा कांदा हम होने देते हैं। हमारा प्याज अच्छा ब्राउन हो गया है, हम इसमें डालते हैं टमाटर। और इसी में हम डालेंगे काजू और बादाम। हमने भिगो के रखे थे, नहीं भी भिगोए तो भी चलता है, लेकिन भिगो के रखे तो अच्छा है। तो हम इसे अभी थोड़ा, जब तक टमाटर स्मूथ नहीं होता है, नरम नहीं पड़ता है, तब तक इसे हम पका लेते हैं और थोड़ा ढक्कन हम रख देते हैं। अभी ये थोड़े स्मूथ हो गए हैं टमाटर। अभी हम गैस बंद कर देते हैं और थोड़ा ठंडा होने के बाद मिक्सर के पॉट में डाल के हम इसे मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। अभी हम मिक्सर के पॉट में डाल देते हैं इसे और इसके अच्छे से पेस्ट बना देंगे। ठंडा होने के बाद ही आप मिक्सर में डालिए, नहीं तो गैस तैयार हो जाती है। इस तरह से ये एकदम स्मूथ हो जानी चाहिए। अभी हम गैस शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बटर। दो चम्मच हमने बटर लिया है, उसमें थोड़े पनीर फ्राई कर लेंगे पहले। हमारा पनीर फ्राई हो गया है अच्छे से। अभी हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। आपको कच्चा पनीर पसंद है तो आप कच्चा भी डाल सकते हो, लेकिन फ्राई किया हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। हम अभी इसमें निकाल लेते हैं। अभी इसी कढ़ाई में हम अदरक और लहसुन की पेस्ट डाल देते हैं, थोड़ा अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। तरह से इसमें थोड़ा नमक आपके स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, चम्मच भी हमारा छोटा है, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर हमने डाल दी है। अब हम इसमें हमारी प्यूरी जो हमने निकाली थी वो डाल देते हैं। ये थोड़ी थिक हो गई है, हम इसमें पानी डाल के फिर मिला लेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा
पानी डाल देते हैं। अभी हम इसमें किचन किंग मसाला डाल देते हैं और इसको अच्छे से पकने देते हैं। थोड़ा हम ढक्कन रख देंगे इस पर। अभी हम इसे निकाल देते हैं। अब इसमें पनीर डाल देते हैं ताकि हमारा पनीर भी सॉफ्ट हो जाए इसमें। और 5 मिनट हम और इसे रख देते हैं। 2 मिनट हमने रखा था, फिर ढक्कन निकाल के पनीर डाल दिया। अभी इसे और 5 मिनट रखते हैं। थोड़ा बटर डाल देते हैं तो एकदम हमारा शाही पनीर हो जाएगा। सब शाही है इसमें। और इसको हम 5 मिनट कम गैस पे रख देते हैं। अब हम इसका ढक्कन निकाल देते हैं। इस तरह हमारा बटर आ जाना चाहिए बाहर। हम गैस बंद कर देते हैं। ये पूरा बटर हमारा अच्छे से आ गया है। अभी हम सर्विंग बाउल में इसे निकाल लेते हैं। पनीर भी हमारा एकदम सॉफ्ट हो गया है। बहुत बढ़िया हो गई है सब्जी। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। सजा देते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप देख पाए। थैंक यू।